हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे, आपको बताएंगे आलू की स्वादिष्ट रेसिपी, जो आप पूरियों के साथ बना सकते हैं, जहाँ कचौरियों के साथ बना सकते हैं। ये हलवाई जैसी, बिल्कुल बाजार जैसी हम बनाते हैं। हम कचौरियों के साथ हमने बनाई है, तो आपको सिखाते हैं कैसे बनाते हैं आलू की सब्जी। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अपना कर लेंगे गैस ऑन और फ्राई पैन को रख देंगे गैस पे, और उससे उसके बाद हम पहले सूखे मसालों को भून लेंगे। सो फ्रेंड्स, पहले हम डालेंगे जीरा, थोड़ा सा धनिया। ये घर में आप वैसे भी बना के रख सकते हैं, अगर आपको कोई सब्जी बनानी है, कुछ में भी थोड़ा सा डाल लें, बहुत टेस्टी बनता है। थोड़ी सी सौंफ, ठीक है फ्रेंड्स, और सूखी लाल मिर्च। तो इसको अब हम थोड़ा थोड़ा सौते कर लेते हैं, हिला लेते हैं। इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे, ताकि जो मसालों का असली फ्लेवर है वो खुल के बाहर आए। मसालों को हम याद रखना कि हम धीमी आंच में रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। अगर आप तेज कर दोगे तो वो जल जाएंगे, और जलने के बाद जो फ्लेवर है उनका ज़्यादा ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं रहता। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो फ्लेवर आपको वापस नहीं मिलेगा। सो बेस्ट है धीमी आंच पे इसको हिलाते हिलाते आप रोस्ट करें। माम पिस्ता में डाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप उसमें मिक्सी में भी कर सकते हैं, पर मुझे थोड़ा सा मोटा अच्छा लगता है, तो हम इसको थोड़ा सा मोटा रखेंगे। अगर आपको मुंह में आना अच्छा नहीं लगता, तो आप इसको बारीक भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे आलू कैसे बनते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमारे सूखे मसाले हमने पीस लिए हैं। गैस की फ्लेम करते हैं ऑन। गैस की फ्लेम ऑन नहीं हो रही, गैस की फ्लेम हो गई है ऑन। इसमें डालेंगे, कढ़ाई हमारी बिल्कुल सूखी है, तो हम डालेंगे तेल। आप रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, मैं सरसों का तेल प्रेफर करती हूँ। तो सरसों का तेल हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। इसको अभी गर्म होने देंगे। सरसों का तेल की क्या बात है फ्रेंड्स, जब तक इसका धुआं ना निकल जाए ना, तो ये अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता। अगर इसको ऐसे ही आप सब्जियां इसमें डाल दोगे, तो वो जो कड़वापन होता है ना तेल का, वो उसका फ्लेवर आपके खाने में आएगा। सो वो कड़वापन ना आए, ताकि कोई बता ना सके कि ये कौन से तेल में पका है, तो हम इसको थोड़ा सा जलाएंगे। जलाने के बाद फिर हम इसमें जो बाकी की चीज़ें वो ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा तेल गर्म हो गया, आपको धुआं शायद दिख रहा होगा वीडियो में। तो अब हम ऐड कर देंगे सबसे पहले जीरा और प्याज। प्याज की आप प्यूरी भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, मुझे थोड़े से कटे हुए प्याज ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो क्योंकि आप अगर प्यूरी बना सकते हैं, अगर आपको जो ग्रेवी है वो गाढ़ी चाहिए, किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा इसको मिक्सी में पीस सकते हैं। हमने ये इसको काट लिया है, तो अब जब तक प्याज भूनते हैं, तब तक हम इसको हिलाएंगे। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आलू बेसिकली आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने पूरी बनानी है, बच्चों का मन कर रहा है कि आज पूरी खानी है, तो पूरी के साथ आलू, आप चने नहीं भिगो सकते, लेकिन इंस्टेंट आप आलू पूरी बना के बच्चों को खिला सकते हैं, आपके बच्चे खुश, और एक डिफरेंट सी रेसिपी बन जाती है, घर में डिश बन जाती है। और इसको मात्र 15 मिनट भी नहीं लगते ये आलू बनाने के लिए, हलवाइयों जैसी बनती है ये, बड़ी टेस्टी लगती है।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे प्याज हो गए हैं। चल बंद कर लेंगे हम। फ्रेंड्स प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे हम हमारे टमाटर जो भी हमने वो भी बारीक बारीक काटे हैं। आप प्यूरी बनाना के बनाना चाहते हैं तो प्यूरी बना सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, ताकि ये सब कुछ इकट्ठा पक जाए। टमाटर हमारे पक चुके हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, सॉल्ट स्वाद अनुसार, थोड़ा सा गरम मसाला और जो हमने सूखे मसाले बनाए थे वो। अब इन सबको हिला देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के कवर करने के लिए। फ्रेंड्स इसको मसालों को प्रॉपर मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम पकने के लिए रख देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम करते हैं आलू ऐड। आलू को बीच में दो मिनट के लिए हम, 2 मिनट तो मैं ज़्यादा बोल गई, 2 सेकंड के लिए हम इसमें मिक्स करेंगे, ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो आलू में पूरे मिक्स हो जाएं। फ्रेंड्स आप आलू काट के भी डाल सकते हैं, मुझे थोड़े से रफली लाइक जैसे हम मैश कर देते हैं हाथ में पकड़ के, मुझे वैसे ही अच्छे लगते हैं आलू में। जैसे आप देखेंगे भी जो हलवाई बनाते हैं वो भी ऐसे बनाते हैं, जैसे कि हलवाई वाली वो बना रहे हैं, तो हम वैसे उनकी तरह ही आलू को जस्ट मैश कर लेंगे। तो इसको करने के बाद 2 मिनट के लिए ढक देंगे। थोड़ा इसमें फ्रेंड्स अब कर लेंगे हम पानी ऐड। जितनी आपको पतली बनानी है, जहाँ जितनी आपको सूखी रखनी है, वो आपने जिसके साथ आपने खानी है उसके हिसाब से आप बना सकते हो। हमने ये कचौरियों के साथ खानी है। तो फ्रेंड्स आलू को अब में हमने पानी ऐड कर लिया, तो इसको अब 2 से 3 उबाले देंगे और हमारे आलू बनके रेडी हो जाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा फ्रेश धनिया पहले ही डाल देंगे, ताकि उसका फ्लेवर धनिया का उसमें आ जाए। अब इसको ढक देंगे हम 5 मिनट के लिए। 2 उबाले भी आएंगे, 2 उबाले के बाद हम इसको सिम में रख के और आपके आलू रेडी। फ्रेंड्स आलू हो गए हैं हमारे बिल्कुल तैयार और देखिए कढ़ाई में कैसे नाच रहे हैं, तेल अलग कर दिया है और आलू वाह वाह क्या खुशबू है, जो हमने सूखे मसाले डाले थे उसकी खुशबू वाह वाह। तो ये हमने कर लिया प्लेटिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमें शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक।